अच्छा आज हम देख रहे हैं जेक्वेरी एजेक्स के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड जिसका नाम है एजेक्स। ठीक है, मतलब जेक्वेरी एजेक्स के अंदर एक मेथड है जिसका नाम खुद एजेक्स है। ठीक है, और ये मेथड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब गेट पोस्ट लोड इन तीनों से ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जाता है? एजेक्स मेथड यूज किया जाता है। क्यों, इसकी वजह क्या है कि इसको सबसे ज्यादा क्यों यूज किया जाता है, इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल वर्क भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका पहला पॉइंट, द जेक्वेरी एजेक्स मेथड प्रोवाइड्स कोर फंक्शनैलिटी ऑफ एजेक्स इन जेक्वेरी। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो एजेक्स मेथड है जेक्वेरी का, ये हमें कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। कोर फंक्शनैलिटी का मतलब एजेक्स से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज हमें चाहिए होती है अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर, वो हमें कौन प्रोवाइड करके देता है? वो हमें ये एजेक्स मेथड प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, इसका मतलब एजेक्स मेथड के अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज भी हैं जो गेट मेथड में नहीं थी, पोस्ट में नहीं थी, लोड में नहीं थी। ठीक है, मतलब उन मेथड्स के अंदर जितनी भी हमने चीजें देखी थी उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा चीजें भी इस एजेक्स मेथड के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहां पे देखो सेकंड पॉइंट, इट सेंड्स असिंक्रोनस एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू द सर्वर। मतलब यहां पे क्या कह रहा है, ये असिंक्रोनस एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। ठीक है, अच्छा देखो जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं जेक्वेरी एजेक्स के अंदर वो सारे एसिंक्रोनसली काम करते हैं। एसिंक्रोनसली का मतलब कि हमारा ब्राउजर रिफ्रेश नहीं होता और जितना भी जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाती है, सर्वर से वापस क्लाइंट के पास आती है, ये सारा काम बैकग्राउंड पे होता है। ठीक है, पेज रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है, फिर देखो तीसरा पॉइंट। अच्छा देखो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से समझना। देखो क्या कह रहा है, वन थिंग इज वेरी ग्रेट अबाउट एजेक्स मेथड इज दैट वी कैन यूज दिस मेथड इन प्लेस ऑफ गेट मेथड, पोस्ट मेथड एंड लोड मेथड्स। इसका क्या मतलब है, देखो ये कह रहा है एजेक्स मेथड के बारे में एक बहुत जबरदस्त चीज है। वो जबरदस्त चीज क्या है कि ये जो एजेक्स का मेथड है ना, आप इसकी मतलब अगर आपको गेट यूज करना है, पोस्ट यूज करना है या लोड मेथड यूज करना है, आप इन तीनों की जगह सिर्फ एजेक्स मेथड को यूज कर सकते हो। इसका मतलब जो काम आपको गेट करके देगा वही काम एजेक्स भी करके दे देगा। ठीक है, जो काम आप पोस्ट के थ्रू करोगे वो एजेक्स भी कर लेगा। ठीक है, फिर जो काम आप लोड के थ्रू करोगे वो भी एजेक्स कर लेगा। इसका मतलब एजेक्स गेट का काम भी हैंडल कर लेगा, पोस्ट का काम भी हैंडल कर लेगा और लोड का काम भी हैंडल कर लेगा। मतलब एक वर्सेटाइल मेथड है जो सारे मेथड्स का काम अकेले परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, तो एक इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं। भाई देखो एजेक्स मेथड जो है जेक्वेरी का, इसके दो सिंटैक्स है, मतलब दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। पहला सिंटैक्स क्या है, डॉलर एजेक्स और इसके पहले आर्ग्यूमेंट में आप क्या पास करते हो, यूआरएल। यूआरएल मतलब उस पेज का यूआरएल जिसके जहां से आप डेटा लोड करवाना चाह रहे हो, जहां से आप अपना डेटा रिक्वेस्ट करवाना चाह रहे हो सर्वर से। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट। अब देखो ये जो करली ब्रैकेट है ना, इसमें हम नेम वैल्यू पेयर के अंदर ऑप्शंस पास करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ऑप्शंस है ना, ये जो ऑप्शंस का एक पैनल है, ऑप्शंस का ये जो ब्लॉक है, यही एजेक्स मेथड की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। ठीक है, किस तरह बढ़ाता है, भाई देखो आपके पास ये जो एजेक्स के अंदर ये जो हम ऑप्शंस पास करते हैं ना, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो कि एजेक्स सपोर्ट करता है, लेकिन बाकी के जो मेथड हमने पढ़े हैं, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, लोड हो गया, वो बहुत सारे ऑप्शंस को सपोर्ट नहीं करता। यही वजह है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एजेक्स की जितनी भी कोर फंक्शनैलिटीज हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हमें एजेक्स का मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखो पहले आर्गुमेंट में आप यूआरएल देते हो उस फाइल का जिस पे आप जाना चाह रहे हो, फिर सेकंड पे एजेक्स से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे आप सेकंड पैरामीटर मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दोगे, किस फॉर्म में, नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। ठीक है, फिर इसका सेकंड सिंटैक्स भी है। देखो सेकंड सिंटैक्स में क्या बता रहा है, देखो एजेक्स है, डॉलर डॉट एजेक्स, उसके बाद पेरेंथीसिस और ऑप्शंस है। भाई देखो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पास करके आपने नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में सारे ऑप्शंस देने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो यूआरएल है ना, वो इस सेकंड सिंटैक्स के अंदर मैं नेम वैल्यू पेयर की मदद से दे सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब हम अपने इस लेक्चर के अंदर ये सेकंड वाला जो सिंटैक्स है एजेक्स का, इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें
कर्ली ब्रैकेट ऑन करके जितने भी ऑप्शंस देने हैं वो नेम वैल्यू पेयर में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो एक इसका ये पॉइंट है, तो हम अपने लेक्चर में ये सेकंड सिंटैक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रैक्टिकल वर्क आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो ये WW के अंदर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के सारे फोल्डर हैं वो हम यहीं पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर में यहाँ पे बनाता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, Ajax underscore method, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, Ajax underscore method, ठीक है। और इसी के अंदर मैं अपनी सारी फाइल्स स्टोर करूंगा, ठीक है। तो अब आ जाता हूं मैं अपने Dreamweaver में, ठीक है। तो यहां पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं सबसे पहले PHP की, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सबसे पहले सेव करूंगा WW के फोल्डर के अंदर, अभी हमने बनाया है Ajax method, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपनी फाइल को स्टोर करता हूं और इसका नाम मैं कह देता हूं इंडेक्स, ठीक है। हमारी फाइल का नाम होगा index.php। और देखो इसके अंदर सबसे पहले मुझे jQuery की कोड लाइब्रेरी की जो फाइल होती है वो ऐड करवानी है। तो देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फोल्डर है जिसके अंदर jQuery की फाइल रखी हुई है। तो देखो jQuery की फाइल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये जो हमने अपना फोल्डर बनाया है जिसका नाम है Ajax method, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं अपनी फाइल में, और बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी ये वाली फाइल अटैच करवा लेता हूँ जिसका नाम है jQuery.js, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर्म हम वैसे ही बना लेते हैं जैसा हमने गेट और पोस्ट मेथड को समझते हुए बनाया था। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर्म, ठीक है। और इस फॉर्म के अंदर मैं पहला टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट कोलन टेक्स्ट, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, ठीक है। प्लेस होल्डर हम यहाँ पे देते हैं और मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम, ठीक है। और इसका नेम मैं सेट कर देता हूँ यू नेम, ठीक है। और इसकी आईडी भी मैं सेट कर देता हूँ यू नेम, ठीक है। और फिर इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसके नीचे हम दो br के टैग्स ले लेते हैं, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पेस करता हूँ यहाँ पे, और मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर एंटर योर सरनेम, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आईडी में भी मैं कह देता हूँ सरनेम, और इसका नेम भी हम सेट कर देते हैं सरनेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता हूँ, दोबारा br के टैग्स ले लेता हूँ, ठीक है। और अब लास्ट में एक बटन बनाता हूँ, तो यहाँ पे कहता हूँ इनपुट टाइप उसकी कर देते हैं बटन, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सबमिट, और इसके बाद इसकी आईडी मैं कह देता हूँ btn, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा फॉर्म बना लिया, अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी मैंने अपने मेथड का मतलब अपने फोल्डर का नाम रखा था Ajax methods, ठीक है। और इसके अंदर Ajax method, और इसके अंदर मैंने अपनी फाइल का नाम रखा था index.php, ठीक है। तो जैसे एंटर करूंगा देखो यहाँ पे हमारा फॉर्म आ गया, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्म के ऊपर यूज करूंगा हमारा ये Ajax का जो मेथड है जिसका नाम Ajax है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ स्क्रिप्ट के टैग के बाद, यहाँ पे मैं एक और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ और वो जो jQuery का हम बेसिक कोड लिखते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और अब जैसे ही यहाँ पे ये फंक्शन चलेगा तो मैं बटन के ऊपर क्लिक करवाऊंगा, ठीक है। तो बटन को मैंने आईडी क्या दी थी, बटन को मैंने आईडी दी थी btn, तो उससे पहले हैश लगा देता हूं और कहता हूं जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो दोबारा एक एनोनिमस फंक्शन चलेगा, ठीक है। और फिर मैं यहां पे कहता हूं कि देखो ये जो हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, सबसे पहले इन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू मैं गेट करता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं यू नेम, और मैं कहता हूं कि भाई इसके जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैंने आईडी क्या दी थी, उसको मैंने आईडी दी थी यू नेम। तो मैं कह रहा हूं ये जो यू नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो भी वैल्यू है वो आप गेट करो और कौन से वेरिएबल में स्टोर करवा दो, यू नेम के वेरिएबल में स्टोर करवा दो। फिर इसी लाइन को मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है। और दूसरा मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था जिसको हमने आईडी दी थी सरनेम, ठीक है। तो इसके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करते हैं और यहां पे मैं पास कर देता हूं सरनेम के वेरिएबल में, ठीक है। तो ये मैंने दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा गेट किया, उनकी वैल्यू गेट की,
और इन वेरिएबल्स के अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले चेक करवाते हैं कि भाई जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो यू नेम है अगर ये बराबर है एम्प्टी के, और फिर इसी तरह और ऑपरेटर यहाँ पे यूज करता हूँ, और फिर यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ये सर नेम बराबर है एम्प्टी के, इसका मतलब और ऑपरेटर यूज किया, इसका मतलब कि अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, कोई एक भी टेक्स्ट बॉक्स खाली रहता है, तो आप क्या करो अलर्ट के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करवा दो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों फील्ड्स मतलब दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस उसने बिल्कुल सही तरह से फिल किए हैं तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा। और एल्स के पार्ट के अंदर अब मैं यहाँ पे मेथड स्टार्ट करूंगा, कौन सा, एजेक्स का। ठीक है, एजेक्स का मेथड स्टार्ट करूंगा, और मैंने क्या बताया, मैं कौन सा सिंटैक्स यूज करूंगा, सेकंड वाला। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, पेरेंथीसिस ओपन करने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करने हैं, और जितने भी ऑप्शंस हैं वो नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में देने हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, एजेक्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, और सबसे पहले मैं पास करता हूँ यूआरएल। ठीक है, कि भाई मैं कौन से पेज के ऊपर जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे यूआरएल लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे यूआरएल के अंदर कह देता हूँ कि मुझे कौन से पेज पे जाना है, process.php पे जाना है। तो देखो अभी ये जो process.php है ये मैंने अभी बनाया नहीं, तो सबसे पहले मैं ये वाला पेज बना लेता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल एन करता हूँ, पीएचपी पे जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रखूंगा प्रोसेस। ठीक है, process.php के नाम से यहाँ पे मैंने बना लिया, क्योंकि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो एजेक्स रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब असिंक्रोनस तरीके से वो कौन से पेज पे जाएगा, process.php पे जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं कहता हूँ मैं टाइप क्या यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो अब ये टाइप का क्या कॉन्सेप्ट है, भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एजेक्स मेथड गेट मेथड का भी काम कर सकता है, पोस्ट मेथड का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई टाइप क्या होनी चाहिए, गेट या पोस्ट, मैं कह देता हूँ पोस्ट। सही है, मतलब एजेक्स को यूज करते हुए, एजेक्स के मेथड को यूज करते हुए मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे टाइप क्या दे दी, पोस्ट दे दी। आप गेट भी दे सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बताया एजेक्स गेट का काम भी करके दे सकता है, पोस्ट का काम भी करके दे सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाता हूं, और फिर इसके बाद हम कहते हैं डेटा। ठीक है, सही है, मतलब कौन सा डेटा आप process.php पे भेजना चाह रहे हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो अभी मैंने दो वेरिएबल्स बनाए ना, यू नेम और सर नेम, तो ये दोनों डेटा मैं कहां पे पास करना चाह रहा हूं, process.php पे। तो देखो मैं यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, ठीक है, एक मैं नेम बना रहा हूँ मतलब की बना रहा हूँ, और उसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, ये यूनेम। ठीक है, ये यूनेम कौन सा वाला यूनेम है, ये जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक है, इसको मैं कौन सी की पे स्टोर कर रहा हूँ, उसका नाम भी यूनेम है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ सरनेम, एक की बना लेता हूँ, नेम बना लेता हूँ, और इसके अंदर वही टेक्स्ट बॉक्स पास कर देता हूँ जिसका नाम क्या है, सरनेम। ठीक है बेटा, तो देखो अभी यहाँ पे मैंने तीन ऑप्शन यूज किए एजेक्स के, कौन कौन से, यूआरएल, टाइप और डेटा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं, ठीक है, तो देखो एजेक्स मेथड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखो ये तीन स्लाइड्स हैं, एक स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, और ये तीसरी स्लाइड है। ठीक है, तो अभी तक मैंने तीन दे दिए, ठीक है, यूआरएल दे दिया, टाइप दे दिया और डेटा दे दिया। देखो यूआरएल में क्या कह रहा है, यूआरएल में कह रहा है इट इज यूज टू स्पेसिफाई द यूआरएल टू सेंड द रिक्वेस्ट टू, इसका मतलब जिस पेज पे आप, जिस यूआरएल पे आप रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हो उस पेज का एड्रेस आप कहां पे देते हो, यूआरएल में। फिर उसके बाद टाइप, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब आप किस टाइप की रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहे हो, क्या वो गेट टाइप की रिक्वेस्ट है या पोस्ट टाइप की है। ठीक है, तो हमने क्या स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे हमने पोस्ट स्पेसिफाई किया था। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा क्या है, डेटा, इट इज यूज टू स्पेसिफाई डेटा टू बी सेंड टू द सर्वर, इसका मतलब हम कौन से पेज पे जाना चाह रहे हैं, process.php पे जाना चाह रहे हैं, और इसके अंदर सारा सर्वर साइड कोड हुआ हुआ है, इसका मतलब के जब मैं process.php पे जाऊंगा तो मैं कौन सा डेटा साथ लेके जाऊंगा, मैं यूनेम का डेटा साथ लेके जाऊंगा और सरनेम का डेटा साथ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम वैल्यू पेयर के अंदर, ठीक है, डेटा पास कर दिया, कौन से ऑप्शन के अंदर, डेटा ऑप्शन के अंदर। सही है,
मतलब ये जो भी डेटा है ये कहां जाएगा, प्रोसेस डॉट पीएचपी पे जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो, अब इसके बाद है सक्सेस। अब ये सक्सेस क्या है इसको जरा गौर से समझना। देखो जब भी हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली क्लाइंट से सर्वर पे चली जाएगी और सर्वर से वापस रिस्पॉन्ड आ जाएगा क्लाइंट पे, ठीक है, तो आपके पास सक्सेस के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो कॉल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सक्सेस का जो भी फंक्शन है, इट इज टू बी रन व्हेन द रिक्वेस्ट सक्सीड्स, मतलब जब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है, उसमें कोई एरर नहीं आता, तब सक्सेस के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो कॉल हो जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे आके कहता हूं, मैं यहाँ पे आके डेटा के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ सक्सेस, और सक्सेस के बाद मैं कहता हूँ एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और ये फंक्शन कब चलेगा, जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी। और देखो ये जो फंक्शन है ना, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, रिजल्ट, स्टेटस और XHR, ठीक है। मतलब देखो पहला मैं पास कर देता हूँ रिजल्ट, फिर मैं पास कर देता हूँ स्टेटस, और फिर मैं पास कर देता हूँ XHR। इसका मतलब देखो, जब मेरे पास रिक्वेस्ट जाएगी प्रोसेस डॉट पी एच पी के पास, और प्रोसेस डॉट पी एच पी जो भी आउटपुट रिटर्न करेगा वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी तो स्टेटस के अंदर मैसेज क्या पास होगा, सक्सेस। और फिर क्लाइंट से सर्वर में जब भी हम डेटा भेजते हैं तो एक ऑब्जेक्ट काम करता है बैकएंड पे जिसका नाम होता है XML HTTP रिक्वेस्ट। वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है, XHR के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है इसको मैं स्टोर करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो फॉर्म है, फॉर्म के नीचे मैं एक BR का टैग दे देता हूँ यहाँ पे, और इसके नीचे मैं एक H2 का टैग बनाता हूँ, और इसको मैं ID दे देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोसेस डॉट पी एच पी है, ये जो भी हमें आउटपुट रिटर्न करेगा वो आउटपुट सबसे पहले कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस सक्सेस फंक्शन के रिजल्ट पैरामीटर में। और अब मैं कह रहा हूँ ये रिजल्ट पैरामीटर आप कहाँ पे सेट करवा दो, देखो मैं कह रहा हूँ ये जो मैंने अभी H2 का टैग बनाया है जिसको मैंने ID दिया रिजल्ट, इसके टेक्स्ट के अंदर, इसके टेक्स्ट के अंदर आप क्या सेट करवा दो, जो भी डेटा रिजल्ट के अंदर आएगा, ठीक है, मतलब जो भी डेटा रिजल्ट के अंदर आएगा वो आप यहाँ पे क्या करवा दो, सेट करवा दो, ठीक है। मतलब देखो ये फंक्शन कब चलेगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ प्रोसेस डॉट पी एच पी में, ठीक है। तो देखो प्रोसेस डॉट पी एच पी में जो रिक्वेस्ट जा रही है वो किस टाइप की है, पोस्ट टाइप की है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे PHP का सिंटैक्स ओपन करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सेट का मेथड, और रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है, पोस्ट की, तो यहाँ पे मैं पोस्ट वेरिएबल यूज कर लेता हूँ। और मैं कहता हूँ अगर ये यू नेम का वेरिएबल ये सेट है, ठीक है, फिर उसके बाद चेक करो कि वो जो सरनेम का वेरिएबल है वो भी सेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, और यहाँ पे दूसरा इस सेट कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे कह देता हूँ सरनेम। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों का डेटा जो आ रहा है इंडेक्स डॉट पी एच पी से, अगर ये दोनों सेट है, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर डेटा सेट है, तो क्या करो देखना। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका जो भी डेटा है, कौन सा, ये जो पोस्ट यू नेम का जो भी डेटा है वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ यू नेम, और ये जो पोस्ट यू नेम के अंदर जो भी डेटा था वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस यू नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं यहाँ पे कहता हूँ सरनेम, ठीक है, और फिर दूसरा जो वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, सरनेम है, ठीक है, सही है। मतलब देखो ये जो यू नेम और ये जो सरनेम है ये कौन से वेरिएबल्स हैं, ये आपके पास ये वाले वेरिएबल्स हैं यू नेम और सरनेम, क्योंकि इन्हीं के अंदर मैंने डेटा कहाँ से पास करवाया है, अपने टेक्स्ट बॉक्स से लेके, ये जो मैंने दो ऊपर वेरिएबल्स बनाए यू नेम और सरनेम, ये मैंने यू नेम और सरनेम में पास करवाए। अब इन्हीं को मैं एक्सेस कर रहा हूं कहां पे, यहां पे एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। और अब मैं यहां पे आके एको करवाता हूं, और एको में मैं कहता हूं योर नेम इज, और इसके बाद मैं यू नेम वाला वेरिएबल कॉल करवा लेता हूं, और फिर कहता हूं एंड सरनेम इज, और सरनेम इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो सरनेम वाला वेरिएबल है वो मैं यहाँ पे गेट करवा लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब देखो अगर हमारे पास ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई तो ये जो एको में जो भी हम आउटपुट भेज रहे हैं ये आउटपुट कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस सक्सेस फंक्शन के अंदर, ये जो पहला पैरामीटर है रिजल्ट का, यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा।
और फिर यही रिजल्ट मैं कहां पे सेट करवा रहा हूं, अपने S2 के टैग के अंदर, जिसके अंदर मैंने आईडी क्या दी थी, रिजल्ट, और ये S2 का टैग मैंने कहां पे रखा हुआ है, ये S2 का टैग मैंने अपने फॉर्म के ठीक नीचे यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप रिजल्ट देखना, मैं अब यहां पे आता हूं, मैं यहां पे आके अपना ये रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। और अब मैं यहां पे कहता हूं फॉर एग्जांपल जैन, और सरनेम में मैं कहता हूं खान। तो देखो अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो बगैर रिफ्रेश हुए, ठीक है, आप रिजल्ट देखना, देखो फॉर्म के नीचे रिजल्ट आ रहा है S2 के टैग के अंदर, योर नेम इज जैन एंड सरनेम इज खान, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अच्छा फिर यहां पे देखो, मैंने आपको क्या बताया कि रिजल्ट जो भी था, ठीक है, जो भी रिस्पांस आ रहा था प्रोसेस डॉट पीएचपी से, वो मैंने S2 के टैग के अंदर डिस्प्ले करवा लिया। फिर स्टेटस के अंदर क्या मैसेज आता है, स्टेटस के अंदर मैसेज आता है सक्सेस का। तो देखो अलर्ट के अंदर मैं यहां पे कह देता हूं स्टेटस, ठीक है, स्टेटस के अंदर क्या मैसेज आएगा, सक्सेस का। और अगर आपको ये XHR का ऑब्जेक्ट भी देखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास होता है, तो उसको भी मैं अलर्ट में डिस्प्ले करवा देता हूं, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और यहां पे आके अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और अब मैं यहां पे आके कह देता हूं फॉर एग्जांपल अनवर, ठीक है, और यहां पे कह देते हैं कुरेशी। और अब देखो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो देखो स्टेटस के अंदर क्या मैसेज आ रहा है, सक्सेस का, ठीक है, ओके करता हूं। फिर XHR के अंदर क्या पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट, और जैसे ही ओके करूंगा आप रिजल्ट देखो, ठीक है, योर नेम इज अनवर एंड सर नेम इज कुरेशी, ठीक है। तो एक ये पॉइंट याद रखना है आपने, ठीक है, सही है। तो यहां पे मैंने सक्सेस यूज कर लिया, ठीक है। देखो सक्सेस का फंक्शन कब चलता है, जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन अगर हमारी रिक्वेस्ट में कोई एरर आ जाए तब क्या होगा, तब ये सक्सेस काम नहीं करेगा, तब एरर का फंक्शन काम करता है।